नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मेरे पीछे आप सर्किट हाउस देख पा रहे हैं और ये जगह है भोपाल। भोपाल माने मध्य प्रदेश की राजधानी। मध्य प्रदेश की राजधानी के सर्किट हाउस के सामने एक ये पुरानी बजाज स्कूटर खड़ी हुई है जो अब चलन से बाहर हो चुकी है, लेकिन इस पर जो ये चीजें लटकी हुई हैं इसको कहते हैं मास्क। और पिछले एक दो वर्षों में जिस तरीके से कोविड का समय चला है तो लगभग सारे के सारे लोग इस सब और मास्क से परिचित हो चुके हैं। मास्क की क्या अहमियत है, क्या ज़रूरत है, इस चीज़ को लेकर के इस छोटे से मास्क की शॉप पर व्यापार करने वाले भाई से हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि लोग कोविड को लेकर के किस हद तक गंभीर नज़र आते हैं। क्या नाम है आपका? कल्याण साहू। कैसे मास्क नहीं था आपके पास? मास्क नहीं, इसलिए तो लेने आए। क्या लगता है कि लोगों को गंभीरता से इस चीज को लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बहुत गलत है, नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। कारण क्या बताते हैं आप? कारण ये कि अभी तीज त्योहार में बीमारी बहुत बुरी तरह से बढ़ रही है जी। उसके ध्यान में रखते हुए मास्क तो जरूरी है। नहीं, वही हम पूछ रहे थे, शायद आप उल्टा समझ गए कि मास्क जरूरी है कि नहीं है। अरे बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। जो लोग नहीं पहनते हैं वो अपने साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोग, तो उनको भी पहनना चाहिए। पहनना चाहिए, बिल्कुल सबको पहनना चाहिए। और बारिश का भी मौसम है, मौसम भी काफी ज्यादा बिगड़ रहा है, बीमारी बहुत बढ़ेगी इस बार। तीसरी लहर के बारे में क्या कहना है? तीसरी लहर अब तो आ चुकी है भोपाल में लगभग। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? केसेस बढ़े क्या? केस बढ़े ना भाई साहब, केसेस बढ़े। अच्छा, मतलब आप लोग जागरूक हैं, ये एक अच्छी बात कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, हमारे दर्शकों? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो मास्क पहने और क्या कहते हैं अपना सतर्कता बरते और जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकले, बस ये सब चीजें। और भैया ने तो मास्क लगाया हुआ है, आप पहले से सशक्त हैं? मेरे पास ही मास्क है, लेकिन अभी वो ऑलरेडी और चाहिए। अच्छा, मतलब आगे की भविष्य की भी जरूरत को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। समाचारों में लगातार रोज आता है और बहुत सारे ऐसे तो न्यूज चैनल हैं कि दिन भर में 20 बार तीसरी लहर भी ला देते हैं, तो क्या लगता है कि कहीं समाचारों में बार बार तीसरी लहर शब्द सुनने की वजह से भी गंभीरता कम हो रही है क्या लोगों में? देखो, तीसरी लहर आए नहीं आए, अपन अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। मास्क लगा के रहें, सैनिटाइजर यूज करें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, ये सब चीजें करना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। आपका शुभ नाम? इमरान खान जी। इमरान खान जी, इमरान जी ने हमसे बात की और उन्होंने भी, अभी उनके पास मास्क नहीं था भैया के पास। आपका शुभ नाम? साहिल। साहिल जी के पास मास्क नहीं था तो इन्होंने अभी मास्क खरीदा और हम उम्मीद करते हैं कि अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरे की सुरक्षा का भी लगातार ध्यान रखेंगे आप लोग। धन्यवाद। चलिए भैया मास्क दे दें, उसके बाद हम फिर वो करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। क्या भैया आपका भी ये शॉप है क्या? आप दोनों लोग का ये शॉप है? नहीं, मैं तो उसका दोस्त हूँ। अच्छा, दोस्त है। दोनों लोग भोपाल से ही है। क्या अच्छा लगता है भोपाल में? भोपाल में तो यार बहुत सारी चीजें अच्छी है, मैं क्या एक चीज तो बता नहीं सकते। बिल्कुल, ये अच्छी बात आपका है। दूसरी चीज, एक चीज ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप ये जो दोस्त हैं वो मास्क बेचते हैं, भोपाल में मास्क को लेकर के कितनी गंभीरता है लोगों में, कितना मास्क पहनते हैं लोग, क्या लगता है देखते हैं तो? अच्छी बात है, पहनते हैं और पहनना भी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मतलब ज्यादातर लोग मास्क का प्रयोग करते हैं भोपाल। हाँ, वो आज से ज्यादा। और कोविड का जो दूसरा दौर रहा तो काफी खतरनाक रहा, लोगों ने झेला, भोपाल में भी काफी ज्यादा केसेस थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जागरूकता आई। ये फर्स्ट पॉइंट है, जो दूसरा दौर रहा उसकी वजह से ये जागरूकता आई है। आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आप हमें नाम बता दीजिए। करण सिंह। तो करण सिंह जी, वर्तमान समय की सबसे बड़ी जो मांग है और वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत कहें या वर्तमान समय में जीवन की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, मास्क वो आप बेच रहे हैं जी, कैसा लगता है? देखिए, सेफ्टी करना हमारा काम है, अब हम मास्क बेच रहे हैं तो खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ करके रखें। ये सर्किट हाउस है जी,
सर्किट हाउस के सामने ही आपकी पुरानी बजाज की स्कूटर है जो अब चलन से बाहर हो चुकी है जी। लेकिन इस पुरानी बजाज के ऊपर जो आप सामान बेच रहे हैं वो अब भी चलन में है और आने वाले समय में एक जीवन रक्षा कवच के तौर पर उपयोग की जाती है जी। आपके पास जो ये मास्क है उनकी कीमत कितने रुपए से कितने रुपए तक है? देखिए हमारे पास मास्क की कीमत 5 रुपए से स्टार्ट है, आपको 30 रुपए तक की मिलेगी। हम कमी ब्याज पे बेच रहेंगे। अच्छा लगता है क्योंकि आप एक समाज सेवा टाइप का भी काम कर रहे हैं, लोगों को मास्क बेच रहे हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, तो कैसा लगता है? कभी कभी अच्छा भी लगता है, कभी कभी बुरा भी लगता है, क्योंकि कोई जो मास्क नहीं पहन रहे उनको देखकर कभी बुरा भी लगता है, इसलिए कभी अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि मास्क ज्यादा जा रहे हैं हमारे। और कभी कभी ऐसा भी लगता होगा जब लोग आते हैं मोल भाव करते हैं जी, तब उस दौरान कैसा लगता है? देखिए अब मोल भाव से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस सेफ्टी करवाना है। अब मोल भाव हमें अपने दाम पर दे दो बस। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21 साल। और पढ़ाई? पढ़ाई मेरी 11वीं तक की। 11वीं की है, फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया जी। लॉकडाउन लग गया तो आगे पढ़ने का इरादा है या फिर नहीं? अभी पढ़ने का इरादा है। तो दूसरी चीज, एक और महत्वपूर्ण चीज जानना चाहेंगे, ये जो भोपाल है, भोपाल में लाखों इंजीनियर हर साल निकलते हैं, कई डॉक्टर्स कई हजार निकलते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों से MBA CA वगैरह से भी निकलते हैं लोग। वर्तमान में जो बेरोजगारी है हिंदुस्तान में वो एक बहुत बड़ी समस्या है। आप 11वीं पास हैं, लॉकडाउन लगा उसके बाद आपकी शिक्षा छूट गई, आप एक स्वयं का रोजगार करने बैठ गए, मास्क बेच रहे हैं, सुबह से शाम तक रोड के किनारे रहते हैं, लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं, अपने भी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, तो ये जो बेरोजगारी है, आप जैसे लोग अगर स्वरोजगार अपना ले तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या फिर बेरोजगारी है असल में बेरोजगारी है? अगर देखिए लॉकडाउन के बाद काम तो कहीं मिला नहीं है किसी को। हाँ तो ठीक है, तो ज्यादा करके लोग अपना करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, तो आपने फिर लॉकडाउन की वजह से ही इस धंधे को शुरू किया जी? इसके पहले भी कहीं काम करते थे क्या? इससे पहले नहीं, पढ़ाई करते थे। अच्छा, पढ़ाई करते थे जी। आगे क्या करने का इरादा है? आगे तो बस यही कि पढ़ाई कंप्लीट हो जाए। हाँ। पढ़ाई कंप्लीट हो गया, जो भी करेंगे जॉब करेंगे और ये दूर हो जाए, कोविड दूर हो जाए, लोगों की सुरक्षा रहे, ये चाहते हैं जी। बिल्कुल चाहते हैं। कितने मास्क दिन भर में लोग यहाँ से गुजरते हुए ले लेते हैं? अभी तो निकल जाते 100-150 लोग ले लेते हैं। 150 लोग ले लेते हैं रोज में। और जब यहाँ से आप देखते हैं गुजरते हैं, लगभग 100 में से कितने लोग मास्क लगाए रहते, कितने लोग नहीं लगाए रहते? 100 में से कम 70% मान लीजिए आप लगा के चल रहे हैं, 30% लोग लगा के नहीं चल रहे हैं। वो जो 30% है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बस भाइयों से, सब ये भाइयों और बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादा करके सेफ रहें और सेफ रखें सबको। जहाँ पर भी जाए, आप पब्लिक प्लेस में जाए वहाँ पर मास्क लगा के रखिए। आप चाहे अकेले में तो आप निकाल लीजिए, लेकिन पब्लिक प्लेस में मास्क लगा के रखिए। और एक चीज और जानना चाहेंगे, आप एक व्यस्ततम जगह पर यहाँ पर हैं और इसके साथ ही साथ जब सुबह घर से आते होंगे तो दूसरों की सुरक्षा के लिए तो आप मास्क बेच रहे हैं, लेकिन खुद की सुरक्षा का ख्याल कैसे रखते हैं? क्योंकि हम उनसे थोड़ा 1 गज की दूरी लगे रखते हैं, सैनिटाइजर वगैरह भी रखते हैं और मास्क तो लगाए ही रहते हैं, जैसा कि हम देख ही रहे हैं। मास्क के बगैर हम क्या, हमारे कस्टमर आते तो हम मास्क हटाते ही नहीं अपने पास से, सुबह से लेकर शाम तक के हमारे पास लगा ही रहता मास्क। घर वाले क्या कहते हैं जब सुबह मास्क लेके निकलते हैं सड़क पे, तो कोई चिंता रहती है? क्या चिंता रहती है घर वालों को? घर वालों को तो अभी चिंता रहती है, अब काम कुछ मिल नहीं रहा तो कुछ ना कुछ तो करेगा घर का, इसलिए अभी कुछ ध्यान नहीं दे रहा ज्यादा। एक मजबूरी भी है, मजबूरी भी होती है सबको। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार से कोई खामी हो रही है जो लोग इतना जागरूक नहीं हो पा रहे हैं? तीसरी लहर आने वाली है फिर भी लोग जागरूक नहीं है, अब क्या करना चाहिए सरकार को? वो तो पब्लिक के हाथ में ना, सरकार के हाथ में ना, मतलब पब्लिक को जागरूक स्वयं होना चाहिए। तीसरी लहर को लेकर के क्या लगता है आएगी? जिस तरीके से असावधानियां लोगों के द्वारा बरती जा रही है जी, तो क्या लगता है तीसरी लहर को लेकर के? देखिए जहाँ तक के लग रही है मुझे तीसरी लहर तो आनी ही है। कब तक नहीं आ सकती है? कब तक के, अब ये मैं यकीन से नहीं कह सकता, जब तक के पब्लिक जब तक के खुद की सेफ्टी नहीं करेगी जब तक के तो नहीं आएगी। अगर ये महत्वपूर्ण चीज ये भैया कह रहे हैं, करण नाम है आपका ना?
करण एक महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं कि तीसरी जो लहर है वो हमारे और आपके हाथों में है। अगर हम सावधानियां बरतेंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहेंगे और जो भी चीजें हैं भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचेंगे तो निश्चित तौर पर तीसरी लहर को आने से, तीसरी लहर के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। लेकिन यह एक बड़ा सवाल है कि हम किस हद तक जागरूक होंगे, किस हद तक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। जैसे कि करण एक बात और कह रहे हैं कि सरकार के हाथ में बहुत कम चीजें होती हैं या कुछ नहीं होता। असल जो ताकत है वो जनता है और जनता के पास ही वो ताकत है क्योंकि इस तरीके से सावधानी बरतेगी। करण, आपने हमसे बातचीत की, आपके स्वरोजगार के लिए सबसे पहले आपको शुभकामनाएं और इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे युवा एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और 11वीं की पढ़ाई आपने की है, आगे आप पढ़ाई करेंगे और कुछ बेहतर करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन इतनी कम उम्र में ही आपने स्वरोजगार को चुन लिया है, ये काबिले तारीफ है, उसके लिए आपको हम शाबाशी देते हैं। और ये थे करण हमारे साथ और इनसे हमने मास्क को लेकर के, वर्तमान समय की जरूरत, कोविड को लेकर के बातचीत की। बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।